और अभी आपको बताया कि धुंध खत्म होने के बावजूद भी ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर ना किया जा सका। कराची और दीगर शहरों से लाहौर आने और जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, बताइएगा कौन कौन सी ट्रेन ताखीर का शिकार हुई? जी बिल्कुल, धुंध तो खत्म होगी मगर इसके बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर नहीं किया जा सका। आज भी कराची और दीगर शहरों से लाहौर आने और लाहौर से जाने वाली 12 ट्रेनें जो हैं वो तखीर का शिकार हैं। अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट तखीर का शिकार है। इसी तरह कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे, कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, पाक बिजनेस 3 घंटे और तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 30 मिनट तखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन इलामा इकबाल 3.5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट तखीर का शिकार है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 30 मिनट तखीर से जो है वो यहाँ से रवाना हुई है और मुल्तान एक्सप्रेस जो मुल्तान से लाहौर आती है वो 45 मिनट तखीर का शिकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।